नमस्कार, मी रिताली, इंडिया टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कोपरखेरणे येथे कवी संमेलनाचे आयोजन केले होते. अखिल भारतीय अग्निशिखा मंचाच्या अध्यक्षा अलका पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांनी त्यांच्या गणेशोत्सव मंडळात या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून दरवर्षी गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून विविध कार्यक्रम पार पडत असतात. गेल्या 10 वर्षांपासून अग्निशिखा मंचाच्या मंडळात गणपती बाप्पांचे आगमन होत असून खूप लांबून भक्तजन दर्शनासाठी येतात. अग्निशिखा मंचाच्या माध्यमातून अलका पांडे या महिला सक्षमीकरणाकरता मुलींना व महिलांना मदत करतात. त्यांना जगात कसे वागावे असे धडे देतात. बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे अग्निशिखा मंचाचे ब्रीदवाक्य असून त्यांनी या वाक्याचा ओलावा 25 वर्षापासून आजपर्यंत कायम ठेवला आहे. झालेल्या या कवी संमेलनात घाटकोपर, वाशी, पनवेल, मुंबई येथून आलेले कवी उपस्थित होते. अलका पांडे या प्रत्येक वेळेस नेत्र तपासणी शिबिर, मेडिकल चेकअप, विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समारंभ व इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करत असतात. त्याबद्दल नागरिकांनी अलका पांडे यांचे आभार मानले. कवी संमेलनात शीघ्र कवी व ज्येष्ठ कवी यांची अदाकारी शायरीचा प्रत्येकांनी आनंद घेतला. या कार्यक्रमात कवी त्रिलोचन अरोरा, स्पर्श देसाई, कुलदीप सिंग, कुमार भारतीय, मंजू गुप्ता, कविता राजपूत, लता तेजेश्वर, रजनी शाहू व इतर अनेक कवी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. बहुत परेशान हो गई तो मैं उनसे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को क्षमा दीजिए. और मुझे लगता है श्रोता लोग कम है लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं, हमें बहुत आनंद आएगा. आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरया उनकी कृपा से आज यहाँ जितने भी कवि, शायर और दर्शक आए हैं, मंच की मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं. मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये कार्यक्रम काव्य गुलदस्ता की ओर से हो रहा है अग्निशिखा जी के सहयोग से. और मैं अलका पांडे जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ यहाँ पर आमंत्रित किया है. जय जय गणपति रक्षा माम, जय जय गणपति रक्षा माम, बुद्धि सिद्धि शिक्षा माम, जय जय गणपति रक्षा माम. मैं घटकोपर से आया हूँ. मेरी 42 किताबें आ गई है. मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री, छोटी फिल्में भी बनाई है और कुछ फिल्में लिखी भी है, कुछ सीरियलें भी लिखी है और कविता पत्रकारिता मेरा पेशा है. हमारा एक ग्रुप है काव्य गुलदस्ता, उसी के मद्देनज़र मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ. पहले मैं एक शेर मेरे एक मुक्तक सुनाता हूँ कि हम पुराने रिवाज बदलेंगे, हम पुराने रिवाज बदलेंगे तब कहीं ये समाज बदलेंगे, हम पुराने रिवाज बदलेंगे तब कहीं ये समाज बदलेंगे. बात कल की नहीं उसे छोड़ो, बात कल की नहीं उसे छोड़ो, हम सभी मिलके आज बदलेंगे. परम आदरणीय मंची उपस्थित सभी को रवि आदर का सादर प्रणाम. गणपति जी को नमन करते हुए अभी गणपति जी की वंदना आपने की बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक ये स्वभाव है कि मैं सरस्वती वंदना करने के बाद ही अगली कविता पढ़ता हूँ. तो ये वंदना माता सरस्वती की मैंने खुद लिखी है और कुछ त्रुटियां हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा. चार पंक्तियां उससे पहले समर्पित करना कि सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, उदास होता है दिल और आंख रोती है, मेरी हर मुश्किल आसान आकर कर देती, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है. उस माँ को नमन करता हूँ जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है. उसके बाद माता सरस्वती को नमन करता हूँ जिनकी वजह से इस महानगर में हम लोगों की पहचान बनी है. लिखा विदाई, ये मेरी बेटी के शादी के बाद जब वो विदा हुई थी उस समय मैंने इसको लिखा था. माँ तू मत रो मुझे विदाई लेने दे, माँ तू मत रो मुझे विदाई लेने दे, बचपन की यादें, बचपन का लड़कपन तुम्हें सौंप कर पराए घर जा रही हूँ. बचपन की यादें, बचपन का लड़कपन तुम्हें सौंप कर पराए घर जा रही हूँ. तुम्हारे अश्रु उनकी पीड़ा मेरे पेड़ बढ़ने से रोक रहे हैं.
तुम्हारे अश्रु उनकी पीड़ा मेरे पैर बढ़ने से रोक रहे हैं। कौन जाने कैसा होगा वो परिवेश, कौन जाने कैसा होगा वो परिवेश, दोबारा मिलन होगा या नहीं, दोबारा मिलन होगा या नहीं। तुम खुश थी बेटी की बारात से, क्या बात है माँ, तुम खुश थी बेटी की बारात से, मेहंदी लगाई दुल्हन बनाया ऐसा क्यों माँ, मेहंदी लगाई दुल्हन बनाया ऐसा क्यों माँ, बेटी पराई होने पर खुशी, बेटी पराई होने पर खुशी। तुमने कहा बेटी यही दुनिया का दस्तूर है, क्या बात है, तुमने कहा बेटी यही दुनिया का दस्तूर है, आज उसी दस्तूर को निभाने चल पड़ी मैं, क्या बात, आज उसी दस्तूर को निभाने चल पड़ी मैं, तुम्हारे आंचल की छाँव से हट गई मैं, तुम्हारे आंचल की छाँव से हट गई मैं, उस घर के लिए जो मेरे लिए अनजान है, उस घर के लिए जो मेरे लिए अनजान है। न जाने कैसा होगा वह परिवेश, सुख होगा या दुख, सुख होगा या दुख, कौन जाने, तेरा प्यार तेरा लाड तेरी मनोहार वहाँ पर होगी कि नहीं, क्या बात, तेरा प्यार तेरा लाड तेरी मनोहार वहाँ होगी कि नहीं, मगर मेरा बचपन हर पल हर घड़ी तेरे आसपास ही होगा, क्या बात, मगर मेरा बचपन हर पल हर घड़ी तेरे आसपास ही होगा, किलकारियां मारेगा तुम मुस्कुराओगी और मुझे ढूंढोगी मुझे, तुम मुस्कुराओगी और ढूंढोगी मुझे और फिर रो पड़ोगी, तुम मुस्कुराओगी ढूंढोगी मुझे और फिर रो पड़ोगी। और नहीं माँ, मेरी यादें मेरी सखियां बन तेरे आसपास ही होंगी, हम रातों को सपनों में मिला करेंगे, हम रातों को सपने में मिला करेंगे और सुख दुख बात लेंगे, क्या बात है, मैं रातों को सपने में मिला करेंगे और सुख दुख बात लेंगे, मुझे विदाई लेने दो आशीर्वाद दो माँ, तुम मत रो मुझे विदाई लेने दो, आपका गौरव बढ़ा सकूं यह आशा करके मैं इस घर से विदा होती हूँ, आपका गौरव और मान बढ़ा सकूं यह आशा करके मैं इस घर से विदा होती हूँ, नए परिवेश में ढल आपका मान बढ़ा सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी न्यूज। तर या होत्या इंडिया टीवी न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीन वर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा, 9320420420, 9388420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, नमस्कार।